गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर हो रही है एंड सुबह थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी थी, तो मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो अभी भी कोई आके बैठे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको दिखाया था तब कोई नहीं था, अभी अभी आके बैठे। एंड ये वाला जो मैंने गाउन दिखाया था आपको मीशो का, यही वाला पहना है मैंने। तो और इवनिंग कुछ है पता नहीं मुझे भी, क्या बोलते हैं उसको, सो आई हैव टू सी। एंड अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:10 हो रहे हैं और लंच टाइम हो चुका है, लेकिन ये खाना खाने के लिए कोई टाइम पे आ ही नहीं रहे, तो लेट हो रहा है। तो मैं बोल रही थी आओ करके आता होता हूँ, बोला तभी कोई आ गए। तभी उनके जाने के बाद विल हैव लंच, बच्चों को तो मैंने खिला दिया ऑलरेडी। एंड टीवी में भी जो साइड में जो है पूरा स्क्रोलिंग भी आ रहा है, मेरे ससुर जी का नाम भी आ रहा है और कितने मेजॉरिटी से विन हुए हैं, किस किस पार्टी को कितने कितने मतलब वोटिंग हुआ है, वो सब कुछ आ रहा है साइड में। तो फाइनली इतनी मेहनत के जब ऐसा रिजल्ट आता है ना मेहनत के बाद, तो इट रियली फील्स वेरी गुड। लंच हो चुका है एंड मेरा गेटअप भी चेंज हो चुका है, मैंने ये नई वाली रेड कुर्ती एंड इसके साथ ये एक स्टोल टाइप का है वो डाला है। तो एक्चुअली जीतने के बाद जो है मिनिस्टर सर से मिलने जाना होता है, सो इन्होंने मुझे भी बोला कि आओ करके। सो हर चीज़ में मैं इनके साथ साथ ही रहती हूँ, बिकॉज लाइक ये बोलते साथ में रहो, मेरे को थोड़ा ना वो रहेगा, क्या बोलते हैं धैर्य बोलते हैं ना, वो रहेगा करके। सो अभी इससे पहले गाउन पहना था एंड मिनिस्टर सर के पास जाते टाइम गाउन्स में अच्छा नहीं लगता है, एंड मैं साड़ी तो कोई लेके ही नहीं आई एक भी, अदरवाइज साड़ी ही पहनती। बिकॉज हमारा बीच में प्लान था जाने का विजयवाड़ा, जो ये बिना बताए मुझे जाके आ गए, नहीं तो बहुत सारे काम जो है हो जाते। तो अभी मेरे पास तो और ड्रेसेस भी नहीं है, मतलब गाउन है और कुर्ते हैं, तो उन सब में ये वाला कुर्ता थोड़ा बेटर था, नया है रेड वाला अजियो से जो मैंने लिया था, सो आई हैव चेंज्ड इट। एंड ईयरिंग्स भी मैंने चेंज कर ली, ये वाली पहनी है। सो जैसा देश वैसा भेस बोलते हैं ना, तो भेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेस, वैसे रेडी होके जाना चाहिए। सो अभी जस्ट नॉर्मल सा रेडी हो गए हैं, अभी निकलने वाले हैं। ससुर जी अपना शर्ट चेंज कर रहे हैं, स्टोल के साथ पैर किया, एक बार दिखा देते। ससुर जी रेडी हो चुके हैं एंड मैंने ग्रे लेगिंग पहनी है, बिकॉज दिस स्टोल इज काइंड ऑफ ग्रे मिक्स विद मल्टी कलर है, तो ऐसे पेयर कर लिए तो आई गेस अच्छा लग रहा है ना, जब अच्छी लाइटिंग पड़ती है ना तो अच्छी तरह दिखता है। सो लाइटिंग की बड़ी कमी है एंड ये दाग डब्बे जा रहे हैं धीरे धीरे, सो लेट्स मूव ऑन। मेरे हस्बैंड एंड ससुर जी उतर के एक जगह पे गए हैं किसी को थैंक्स बोलने के लिए, बिकॉज जब ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं बहुत लोग का सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो जिन्होंने हमको सपोर्ट किया उन सबको एक थैंक्स देने के कहने के लिए गए। एंड उसके बाद अभी आगे मिनिस्टर कहाँ पे रहते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, कार्यकर्ता ऑफिस कुछ होता है ना, पार्टी ऑफिस, वहाँ पे जा रहे हैं। सो वहाँ पे मैं कुछ शूट कर पाऊँगी, होगा कि नहीं आए तो डोंट नो, स्टिल विल सी, बिकॉज मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, तो आई एम जस्ट एन्जॉइंग एवरी मोमेंट कैसा चल रहा है, बिकॉज वीडियो जो बनाया है उसमें इतना कुछ कैप्चर किया नहीं है, लेकिन हर चीज़ हर टाइम कैप्चर करना पॉसिबल भी नहीं होता है, बिकॉज यू हैव टू बी देयर इन द सिचुएशन। सो नाउ आगे आगे देखो होता है क्या क्या होता है। फुल रश है यहाँ पे।
में जितने भी सरपंच हुए हैं इस इलेक्शन में, मतलब हमारे गांव के नहीं, डिफरेंट गांव एक जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं ना, तो वो सारे के सारे सरपंच यहां पे गैदर हुए हैं। एंड ये एक करना, मतलब यहां के जो मिनिस्टर हैं उनसे आके देन सब लोग का एक क्लिक लिया जाता है। एंड आज के न्यूज़पेपर में जो है फ़ोटो भी पूरी आई हुई है एंड पूरा मेंशन किया हुआ है कि कितनी मेजॉरिटी से जीते हैं। एंड जो आपको वाइट ड्रेस में दिख रहे हैं ना, वही मिनिस्टर जी है, रंगराज गरु इनका नाम है। तो ये हाउसिंग मिनिस्टर है, जो इनके अंडर में कुछ गांव आते हैं, तो जो जो हैं उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ज़्यादातर आप देखेंगे तो यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है, तो इस बार जो जगन की गवर्नमेंट है उनमें था कि लेडी सीट रिजर्वेशन है, लेडीज़ को ज़्यादा खड़ा होने का अपॉर्चुनिटी दिया गया, तो इसलिए जेंट्स कम है, लेडीज़ ज़्यादा बनी है सरपंच, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि लेडीज़ को भी इनक्रेज किया जा रहा है। पहले टाइम पे तो ये वाली वैकेंसी रहती नहीं थी, तो अभी ऐसे हुआ है तो वी कैन सी दैट। एंड एक मतलब जब कोई लेडी बनती है ना, कोई कॉन्फिडेंस आता है कि हाउ दे डू बेटर इन देयर लाइफ, बिकॉज उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बीच में खड़े हुए। उसके बाद जो मिनिस्टर सर है उन्होंने भी अच्छा सा एक जिताया है, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने गाँव की पूरी देख रेख करें, जो भी उनकी प्रॉब्लम है। बहुत सारी जगहों पर रोडों की प्रॉब्लम करते हुए उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ पर गौर कीजिए। एंड ऐसा कुछ है तो मेरी दृष्टि बनाइए वेरी एवरी डे जो देखते हैं। इसके अलावा खाओ तो मैं थोड़े बहुत जो मुझे याद है वो मैं बता रही हूँ। ओवरऑल मैंने पहली बार ऐसा कुछ पार्टी है, मुझे पता नहीं था कि लेडीज भी हैं एंड ओवरऑल उनका लेक्चर सब कुछ देख के काफ़ी अच्छा लगा। एंड मेरे ससुर जी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड इस एज में वो दोबारा सरपंच के लिए चुने गए हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी हैप्पी। एंड ये जो न्यूज़पेपर में आया, डिफरेंट डिफरेंट जो भी चैनल के लोग हैं वो भी आए थे, तो जो मिनिस्टर सर हैं उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया, सारे TV9 हो गया, साक्षी हो गया, जो भी हमारे यहाँ पर चैनल्स रहते हैं वो सभी लोग आए थे, तो काफ़ी अच्छा रहा। मुझे लगा कि मैंने अच्छा काम किया जो मुझे ये लेके गए, तो दिस इज़ समथिंग आई वुड से कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हम लोगों ने जाके सर को बुके वुके भी दिया, तो वो भी आप देख लीजिए। सर से मिलना हो गया एंड अभी घर के पास वापस आ गए हैं, तो आज रैली निकालने वाले थे लेकिन इलेक्शन कोड कुछ चल रहा है जहाँ पे डीजे या 3 बार नहीं चला, मतलब चलाना अभी बैन है। तो पहले तो हमने डीजे वालों को एंड 3 बार वालों को सबको बुला लिया था, बट देन इन्फॉर्मेशन आई कि अभी
21 तारीख के बाद करना पड़ेगा, अभी नहीं कर सकते। तो वी आर जस्ट यू नो नॉर्मली थोड़ा सा जो है माला वाला डाल के थोड़े पटाखे फोड़ के, बिकॉज जो गांव के जो लड़के लोग हैं जो यूथ होता है दे वॉन्टेड दिस एक्चुअली, एंड वैसे भी जनरली किया जाता है। तो नेक्स्ट अभी जब पहले दिन ससुर जी सरपंच ऑफिस जाएंगे उस टाइम पे वो करेंगे, तो अभी के लिए वो जो है पोस्टपोन हो गया, बस पटाखों से वी आर फिनिशिंग इट ऑफ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, जो पंचायती है वहाँ से भी आ रहे थे एंड बाकी जो बाजू में गांव है वहाँ से भी आ रहे थे, बिकॉज जब पेपर में छपता है तो ऑब्वियसली जो जान पहचान के लोग हैं वो सब आते हैं, सब भूखे दे रहे थे। तो एक जब इंसान खुश रहता है ना तो एज और बढ़ जाती है ना, वैसा रहता है। तो ये वैसा ही था, ससुर जी भी बहुत खुश थे एंड हम सब लोग भी ऑटोमेटिक, जब ऐसा कुछ हो रहा था हम जब पीछे खड़े थे ना तो चेहरे पे एक स्माइल आ जाती थी, एंड जैसे मैं इनको देखती थी ये भी स्माइल कर रहे थे, मुझे देखते थे तो मैं भी स्माइल कर रही होती थी। गुड आफ्टरनून। तो सुबह से जो है बहुत लोग का आना जाना लगा हुआ है, सब लोग भूखे आके दे रहे हैं, अभी भी जस्ट कोई आया है। तो मेरे जो देवर है उनको बस स्टैंड पे जरा छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि इसी पर्पज से वो काकीनाडा से यहाँ आए थे। तो पूरे फैमिली मेम्बर के सपोर्ट के साथ जो है ये पूरा कार्यक्रम हुआ, तो फाइनली ख़त्म हो गया है सारी जो भी रिक्वायरमेंट थी। तो वो वापस जा रहे हैं क्योंकि सबके अपनी अपनी जॉब भी है, वो करने के लिए जाना है, एंड हम लोग निकलेंगे कल सुबह। तो अभी यहाँ पे बस स्टॉप पे ज़रा छोड़ के आ रहे हैं, उनकी व्हीकल थी वो आई नहीं अभी यहाँ पे, तो जस्ट गोइंग टू ड्रॉप। ये बोल रहे थे कि मेरे को बड़ी नींद आ रही है तो तुम भी आ जाओ ज़रा चला लेना, मेरे को बहुत नींद नींद आ रही है क्योंकि इतने दिन से बहुत थके हैं ना, तो जब ये जैसे ही प्रेयर करने के लिए भी आंखें बंद करे तब भी नींद जा रही है बोल रहे इतनी इनके टेंशन लो टेंशन के बाद तो चलो छोड़ के आने के बाद विल सी। अभिषेक पहले निगरानी रखता है, मैंने जस्ट गाड़ी स्टार्ट करी क्योंकि उधर गया था वेट कर रहे थे, गाड़ी की साउंड सुन के वो भाग के आ गया। देवर जी को छोड़ के आ गए हम लोग, उसके बाद क्या बोलते हैं आज शाम को खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आज हमारे घर पे जो है दावत है, दावत इन द सेंस कि जो भी गांव में मतलब क्या बोलते हैं उनको, मतलब जो जो लोग हैं सबको भोजन के लिए बुलाया है। क्या है आज फ्रेम नहीं हो रहे सेंटेंस उनसे प्रॉपरली, क्या बोलना चाहती हूँ पता है लेकिन निकल नहीं रहा है उस टाइम। अभी क्या बोलते हैं चेयर्स वेयर्स तो है और थोड़ी चेयर्स एंड टेबल नहीं थे, तो टेबल मतलब आए नहीं है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। एंड नॉर्मल सा एक जीत की खुशी में, क्योंकि कल 3 बार तो हो नहीं पाया था, वो प्रोबेबली बाद में करेंगे जिस दिन ससुर जी एक्चुअली पंचायती में जाएंगे तब। और आज मतलब सेलिब्रेशन के लिए जिन जिन्होंने अभी ऐसा होता ना पार्टीज होती है जैसे, तो ओवरऑल सबको जो जो थे साथ में उन सबको खाने पे बुलाया है, तो छोटी सी दावत एंड देन फाइनली सब कुछ क्लोज हो जाएगा। एंड अभी कब जाएंगे ससुर जी पंचायत, पंचायती बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पंचायत बोलना क्या बोलना पता नहीं, बस आई एम सेइंग। तो बहुत एक्टिव शेड्यूल रहा, सब कुछ रहा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज जो कष्ट था हमको पता था, एंड आप लोग जो अपने विशेष दे रहे हो, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। वो मेरे जो ससुर जी है पहले भी सरपंच थे एंड अभी अगेन हुआ है तो दोबारा सरपंच हुए, एंड लोग भी इसलिए ही चूज करते बिकॉज दे नो कि गांव की प्रगति के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो टाइम टू टाइम मेरे ससुर जी भी करते रहते हैं, हम लोग भी करते रहते हैं। और जैसे नई रोड ये बनी थी वो भी मेरे ससुर जी ने ही डलवाई थी, तो डेवलपमेंट को देख के गांव की जब प्रगति होती रहती है तो लोग भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। सो ये दूसरी बार, इसलिए दोबारा मेरे जो है ससुर जी इलेक्ट हुए। सुनने में शायद छोटी मोटी चीज़ लग रही होगी लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस था दोबारा अगेन ससुर जी को चूज़ करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एंड बस ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, तो फाइनली आज डिनर के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको डिनर का या उसके बाद का जो भी वीडियो है अगले वीडियो में शेयर करूँगी,
बिकॉज आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक चिपका दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिएगा। यार शेयर कर लो यार, इतना डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट लेके आती हूँ, शेयर नहीं करते हो, देखते नहीं हो, क्या है, बस रेगुलर चीज़ें ही देखना पसंद करते हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, सब जगह फैला दो इसको, डू शेयर इट। चलो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।